तरह से इनको दीवारों में रखते हैं। सो गाइस हमारा सेब का हलवा रेडी हो चुका है, ये देखिए। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट शूट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो गाइज अभी सारा काम हो गया है घर का, कपड़े भी धो लिए, खुद भी नहा धो ली हूँ और देखिए गाइज मौसम भी बहुत साफ है आज इस तरह से। तो देखिए गाइस दादी जी हाँ, तो गाइस मेरे नई जैकेट की तारीफ हो रही है। खाली मिठाई पैकेट रखा जी, मेरा खाता है, मैंने खाया मैंने ये। तो दादी जी अभी टहलने गए थे, कहाँ तक गए थे आप टहलने दादी से? दादी जी बोल रहे मैं बुढ़ी हूँ, मुझे कैमरे में मत दिखा। तो मैं दादी जी को बोल रही हूँ कि आप अभी बहुत जवान हैं, देखिए बड़े बड़े गाल घोटे लाए बड़े हुंडे। तो दादी जी गाल अभी और बड़े हो रहे, जितने बुढ़ा पा रहा है उतने गाल बड़े हो रहे। तो गाइस देखिए ये है ननन जी घर का खुड़। खुड़ मतलब गाय का कमरा जहाँ पे गाय को रखते है, वहाँ को हम बोलते है खुड़। तो गाइज आज हम बनाएंगे गोबर के उपले। दादाजी ने हमें कहा है कि गोबर के बहुत सारे उपले बना के रखो, तो इस तरह से गोबर के उपले बनाते हैं हम। तो इनका बहुत ज़्यादा काम आता है। तो दादाजी जो है दीप्ते का काम भी करते हैं, घंटी वगैरह बनाते हैं, दीप्ते के जो सामान होते हैं तो वहाँ पे भी ये काम आते हैं। और जब हम खेतों में निदाई करने जाते हैं गर्मियों में तो खेतों में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, तो उस टाइम हम इनको जला के रखते हैं तो फिर हम मच्छर नहीं खाते हैं। तो मच्छरों से बचने के लिए हम इस तरह के उपले बना के रखते हैं, ये देखिए जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से बनाने हैं, बड़ा तो नहीं हुआ। और फिर इनको यहाँ रखेंगे भाभी जी, मैंने भी बनाना है एक इस तरह से। देखिए यहाँ दीवारों में रखेंगे, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बनाए हैं। किसने बनाया? आंटी जी ने, मम्मी जी, आंटी जी ने बनाए हैं बहुत सारे। गोबर हम लेंगे फिर इसको इस तरह से करेंगे जैसे हम रोटी बनाते हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा इसका भी। तो देखिए बहुत बड़ा उपला बनाया मैंने, तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए इस तरह से इनको दीवारों में रखते हैं और जब ये सूख जाते हैं फिर इनको इस तरह से निकाला जाता है, ये देखिए। तो ये उपला बहुत पहले बनाया है तो इस तरह से चुपचाप निकल जाते हैं दीवार से, फिर इनमें आग डाली जाती है, फिर हम इनको खेतों पर ले जाते हैं। इनके जब इनका धुआं निकलता है तो उससे मच्छर भाग जाते हैं, तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट होते हैं। इस रखी में आओ, ये देखिए ये उपले बना रहे हैं ऐसे। हाँ जैसे रोटी बनाते वैसे ही बनाओ। उपले बड़ा तो नहीं बनाया बड़ा, थोड़ा बड़ी होगी रोटी, थोड़ी छोटी करो। मक्की की रोटी बनाते, अब करो इसको चौड़ा जैसे मक्की की रोटी को करते, आराम आराम से। तो गाइस अभी चलते हैं ऊपर, आदमी उठ गया है, बहुत जोर जोर से रो रहा है। उठ गए मम्मा, क्या हो गया भैया आपको, चुंडी वाले बाव को क्या गंबर। तो गाइस अभी आदबिक उठ गया है और बहुत ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं आजकल आदबिक क्यों रो रहा है। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ कि आदबिक बहुत ज़्यादा रो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। सो गाइस अभी फिर से मैं आदबिक को सुला के आ गई हूँ और अभी आदबिक के 4-5 पिजामे और हो गए धोने के लिए। तो बच्चों के कपड़े ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर धोते रहो धोते रहो धोते रहो। तो ये एप्पल मेरी सासू माँ लेके आए थे अपने मायके से, तो ये ऐसे ही पड़े कोई भी नहीं खाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज इनका हलवा बनाते हैं, एप्पल का हलवा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो
तो देखिए दादी जी के, तो दादी जी भुट्टा खा रहे, खा लिया तो दादी जी के दांत, दादी जी ने नकली दांत लगाए तो इससे भुट्टा खाने का मजा नहीं आता है। तो देखिए दादी जी कैसे खा रहे हैं। तो ये हमने दादी जी को थोड़ा नरम सा भुट्टा दिया था जला के, ताकि दादी जी से खाया जाए। मीठा लावा बनाना से उबर खाना आलुआ थोड़ा लावा बनाओ। तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो सबसे पहले हम सेब के छिलके निकालेंगे। सो गाइस, एप्पल को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, ये देखिए। तो ज़्यादा देर तक इनको ऐसे नहीं रखना है क्रश करके, क्योंकि ये फिर इस तरह से ब्राउन हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं कढ़ाई में घी डाल देती हूँ। सो गाइस, कढ़ाई में हम डालेंगे घी। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये एप्पल। अच्छा भाई, अच्छा जी। तो एप्पल को हम हल्का सा ब्राउन होने देंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर, और इनको मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अब हम ड्राई फ्रूटों को भुनेंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है। ये घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में है आज काजू, बादाम और अखरोट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये ड्राई फ्रूट। सो गाइस, हमारा सेब का हलवा रेडी हो चुका है, ये देखिए। सो गाइस, ये मैं सबसे पहले दीदी को टेस्ट कराऊंगी। तो सबसे पहले हमारी सृष्टि जी टेस्ट करेंगे, ये देखिए। सृष्टि बहुत एक्साइटेड है, तो देखिए प्लेट को कैसे पकड़ा है। आपने भी खाना, ये मुंह में क्या है? दवाई? दवाई। कैसी है दवाई? अच्छी तो है। टेस्ट करके। सो गाइस, हलवा तो बन गया है, तो अब मैं दादा दादी को टेस्ट करा के आती हूँ। तो अभी नंदन जी भी आ रहे हैं। ऊपर आओ, बनाया कुछ आपके लिए। हाँ, गोलगप्पे बनाए। और ये देखिए सामने का व्यू। पुआ पुआ, आने वाले चटनी बनानी। किस चीज की? सेब की। ये चटनी नहीं है, मिठा ही है। हाँ, तो सेब का। हाँ, क्या सीन है? रैपोट भी नहीं रखा। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा है। मैं सोचा पर सेब का मिठा, मैं सोचा अपने बना पोहा। पोहा बनाइए कल परसों। तो अभी मैं दादाजी को भी टेस्ट करा के आती हूँ, बाकी को तो मैंने करा लिया। सो गाइस, अभी बज गए हैं रात के 9, और अभी हम अपने रूम आ गए हैं सोने। तो अभी मैं खा रही हूँ बेबी के लड्डू, जो मुझे मेरे मायके से दिए थे दीदी ने बना के। तो सोते टाइम मैं वो खाती हूँ डेली। और आप भी देखिए पीछे, हेलो हेलो हीरो।
ये देखिए जी, आदविक बाजू ऊपर करके आराम से सोए हैं मम्मा, और आदविक को ना बहुत तेज हिचकिया लग रही है, ये देखिए। हेलो मम्मा, मम्मा आदविक, आदविक, आदविक। अभी मैंने आदविक की चुंडी भी खोल दी है, तो देखिए इसके बाल कैसे लग रहे हैं। सो गाइस, मुझे पीठ में दर्द हो रहा था, तो अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे ये आयरन कैल्शियम की दवाई खाने के लिए बोला है। तो वैसे भी डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ये दवाइयाँ खानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं खा रही थी तो मुझे खानी पड़ेगी, तो अभी मैं तो ये रही मेरी मेडिसिन। इसी के साथ आज के ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपका आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।